हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, क्या आपको पता है 33 कोटि देवी देवता के बारे में और 33 करोड़ देवी देवता के बारे में? जी हाँ, क्या 33 कोटि देवी देवता होते हैं या 33 करोड़ देवी देवता होते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। मात्रा और समूह में जो सीमित और असीमित में हमारे वेदों को दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय अनुवादक ने गलती से वेदों में लिखे 33 कोटि शब्द को 33 करोड़ समझ लिया, जबकि 33 कोटि का अर्थ है 33 उच्चतम भगवान मिलता है। यही प्रश्न बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञवाल्क्य प्रश्नावली में भी पूछा गया है। महाराज, प्रमुख वेदों और उपनिषदों में बताया गया है कि 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमारों को मिलाकर 33 कोटि देवता होते हैं। यदि विस्तार में बताया जाए तो 8 वसु प्रकृति के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अनिल अर्थात वायु, अपस अर्थात जल, द्योस अर्थात अंतरिक्ष, धरा अर्थात पृथ्वी, ध्रुव जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं, अनल अर्थात अग्नि, प्रभास अर्थात अरुणोदय जिसे हम सूर्योदय के नाम से भी जानते हैं, और अंतिम है सोम अर्थात चंद्रमा। अब 12 आदित्य। 12 आदित्य हमें हमारे सामाजिक जीवन के 12 भागों और वर्ष के 12 माह के विषय में बताते हैं। प्रथम है चक्र अर्थात नेतृत्व, दूसरा है अंश अर्थात हिस्सा, तीसरा है आर्यमान अर्थात श्रेष्ठता, चौथा है भाग अर्थात धरोहर, पांचवा है धत्री अर्थात अनुष्ठान कौशल, छठा है वस्त्र अर्थात शिल्प कौशल, सातवां है मित्र अर्थात मित्रता, आठवां है रवि या पुषण जो प्रतीक है समृद्धि का, नौवां है सवित्र या परजन्य जिसका अर्थ है शब्दों में छिपी हुई शक्ति, दसवां है सूर्य या विवस्वान जिसका अर्थ है सामाजिक कानून, ग्यारहवां है वरुण जो प्रतीक है भाग्य का, और बारहवां और अंतिम है वामन जिसका अर्थ है ब्रह्मांड्य कानून।